उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। दो महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो उन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है, आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात उतारा मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भाई 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा। एक बड़े मकसद को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा, हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है, और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए यह निवेश केवल निवेश नहीं है, यह निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेकर 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए